हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 3 पार्ट 2 का लेसन करेंगे। तो पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया। पार्ट 2 की बारी, द वाइंड एंड द सन। द वाइंड, वाइंड मीन्स पवन, वाइंड का मीनिंग होता है पवन। एंड द सन, एक सूर्य, एक पवन एक सूर्य की बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड। वैन बोल रहा है, क्या तुम देख रहे हो वो सामने, क्या तुम देख रहे हो उस आदमी को, वो सड़क पर जा रहा है, देख रहे हो? कौन बोल रहा है? वाइन बोल रहा है, पवन बोल रहा है। तो क्या तुम देख रहे हो कि सामने जो आदमी जा रहा है रोड पर, वो क्या होगा? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। मैं उसको उसका कोट उतरवा सकती हूँ। क्या बोल रही? मैं उसका कोट उतरवा सकती हूँ बहुत जल्दी, जैसे कि आप बोले उससे पहले मैं उसका कोट उतरवा सकती हूँ। कौन बोल रहा है? जो वाइंड है, जो पवन है, वो बोल रहा है सन से कि मैं उसका कोट उतरवा सकती हूँ। आप बोले उससे पहले मैं उतरवा सकती हूँ। फिर क्या हुआ? सन स्माइली, तो हंस मुस्कुराते हुए सन ने बोला, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर। तो उसने क्या बोला? देखते कौन ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रॉन्गर मीन्स कौन ज़्यादा, कितना ताकतवर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? आई विल लेट यू ट्राई वॉच, और मैं तुमको पहले कोशिश चांस करने देता हूँ, पहले कोशिश करने देता हूँ। क्या करने देता है? जो सड़क पर जो एक आदमी जा रहा है, एक मैन जा रहा है, उसको उसका जो कोट है, उसने पहना है जो कोट, वो उतरवाने की ट्राई कर रहा है। तो पहले वो जो सन है वाइन को बोलता है कि मैं तुम्हें पहला चांस देता हूँ। वाइन, फिर क्या हुआ? वाइन ने बोला, पपिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, अपना मुंह फूलाया, उसने जोर से अपना मुंह फूलाया, बहुत तेज से उसने हवा फूकी, अपना मुंह फूला और बहुत तेज से हवा फूकी। तो क्या हुआ? फू फू फू, जोर से हवा फूकी। तो उसके बाद क्या हुआ? मैन ने बोला, हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड इज टूडे, क्या आज कितनी तेज हवा आ रही है, आज कितनी तेज हवा चल रही है। कौन बोल रहा है? मैन बोल रहा है कि आज इतनी तेज क्यों हवा चल रही है। फिर क्या? इट इज अ ब्लोइंग माई कोट अवे, मेरा जो कोट है वो उड़ जाएगा, क्योंकि इतनी तेज हवा आ रही है, तो जो मेरा जो कोट पहना है वो वास उड़ जाएगा। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, जो मुझे, आई मस्ट होल्ड इट, मुझे इससे बहुत आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, मुझे इसे बहुत जोर से अच्छे से पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जो जो वाइंड है उसने बहुत जोर से फूक लगाई, फूक चलने लगी, फूक लगाई। तो वो क्या बोल रहा है? मुझे मेरा कोट जो है उसे संभाल कर रखना चाहिए, उसे संभाल कर पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो हवा आ रही है उससे जो अच्छे से पकड़ ले, क्योंकि उसका कोट उड़ ना जाए, इसलिए वो अच्छे से पकड़ लेता है। फिर क्या हुआ? वाइन ब्लोइंग हार्ड, जोर से उसने फूक मारी, जोर से उड़ा, फू फू ने उसने जोर से फूक मारी। फिर क्या हुआ? मैन, जो मैन बोल रहा है, पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, वो अपने कोट से और तेजी से, जैसे ज्यादा फूक लगी तो उसने तेजी से बहुत मजबूत से उसने अपना कोट पकड़ दिया। फिर क्या हुआ? हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड हो रही है, जितनी ज़्यादा हवा आ रही हो रही होती तो ज़्यादा ठंड लगेगी। तो वो बोला कि हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड हो रही है आज के दिन। फिर क्या हुआ? वाइन सन को बोलता है, आई गिव अप, मैंने हार मान ली। वाइन किसको बोलता है? सन को बोलता है, आई गिव अप, मैंने हार मान ली। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं उतार सकती, नहीं उतार पाई, मैं उसका जो मैन था, जो आदमी था, मैं उसका कोट नहीं उतार पाई। फिर बोला, सन
नाउ इट इज माय टर्न। फिर सन बोला, अब सन किसको बोला है, व्हाइट मैन को बोल रहा है कि अब नाउ इट इज माय टर्न, अब मेरी बारी, लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ। इस साइंस हार्ड, वो बहुत तेज से चमकने लगता है। जो सूर्य है, जो दो पैर को आपको पता है, आप बाजार में जाता हो तो आपको गर्मी लगती है, तो वो वैसे ही हुआ। जो सन है बहुत तेज से चमकने लगा। फिर बोला मैन, व्हाट अ फनी डे, क्या आज मजेदार, क्या मजेदार दिन है, क्या होता है, इट वॉज सो कूल एंड नाउ इट इज सो हॉट, इससे पहले तो मुझे ठंड लग रही थी, अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो पहले जो हवा, जो वाइंड था उसने फूंक मारी थी, उसको क्या लग रही, ठंड लग रही थी, अब सन की बारी है। तो सन ने जो, उसका जो सन है तेजी से चमकने लगता है, तो वो क्या बोल रहा है कि पहले मुझे ठंड लग रही थी, अब मुझे गर्मी लग रही है। सन शाइनिंग हार्डर, और तेज से चमकने लगा। फिर आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उनको बहुत तेज गर्मी दूंगा, क्योंकि तेज, बहुत तेज। फिर क्या हुआ, मैन पाइपिंग हिज फेस, अपना मुंह, कुछ जो मैन है उसने, उसको ज्यादा गर्मी लगी तो उसने क्या किया, अपना मुंह जो है पोंछने लगा। आई मस्ट टेक ऑफ माय कोट, मुझे मेरे कोट, उसने बोला कि मुझे मेरा कोट जो है उतारना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए। सन व्हाइट आई हैव अ बॉल, तो सन व्हाइट को बोला आई हैव अ बॉल, देखो मैं जीत गया। ठीक है, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया। कैसे उतरवा दिया, जैसे कि ब्लैक वाइंड ने फूंक मारी जोर से, तो वो ठंड लग रही थी, इसने उसको, इसने उसका कोट नहीं उतार सकती। फिर सन, सन की बारी आई, तो सन ने जोर से, सन जो चमक, तेजी से चमकने लगा। फिर उसको जो गर्मी लगी तो उसने पहले अपना मुंह पोंछा, फिर उसके बाद उसने अपना कोट उतार दिया। और बोल रहा है जो सन में वाइंड से कि मैं जीत गया हूँ, मैं उस आदमी का जो कोट है मैं उतार दिया। फिर उसके बाद है नीचे न्यू वर्ड्स है, रोड, रोड का मीनिंग होता है सड़क, उसको बोलते हैं मार्ग। फिर उसके नीचे कोट, आपको पता है कोट, हम मैरिज में जाते हो, हम पहनते हो, उसको बोलते हैं कोट। फिर उसके नीचे क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, तुरंत, जल्दी से उस जगह से उस जगह जाना। फिर उसके नीचे स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का मीनिंग होता है मजबूत। फिर लास्ट में चिक्स, तो आपको पता है क्या है, इसको बोलते हैं गाल, मैं जो खा ले इसको बोलते हैं चिक्स। फिर वन, वो जितना, चितू, उनको बोलते हैं चितू, मैं जीत गए, आई हैव वन मैच। तो रोड का मतलब होता है मार्ग, उसको बोलते हैं हिंदी में सड़क। फिर कोड का मतलब होता है कोड, उसको हिंदी में बोलते हैं कोड। फिर क्विकली का मतलब होता है तुरंत, जल्दी से। स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर। चीज का मतलब होता है गाल। फिर लास्ट में आता है वन, वन मीन जीत लिया। अब नेक्स्ट टर्न है पेज, पेज नंबर 48। क्वेश्चन आंसर है, रीडिंग इज फन, What did the wind do to get the man's coat off? आदमी का कोट उतारने के लिए हवा ने क्या किया? तो क्या किया आदमी का कोट उतारने के लिए हवा ने क्या किया? The wind blew hard to get
द मैन स्पोर्ट ऑफ, उसने जोर से पफ किया, उसने जोर से फूंक मारी उस आदमी का कोट उतारने के लिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है फर्स्ट स्टैंडर्ड का, फर्स्ट क्वेश्चन का, द वाइंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन स्पोर्ट ऑफ, जो माइंड ने उसने बहुत जोर से फूंक लगाई क्योंकि जो मैन का कोट उतारना था, इसलिए वो बोला कि आदमी जो मैन का कोट उतारने के लिए हवा ने क्या किया था, तो मैन का कोट उतारने के लिए हवा ने जोर से फूंक लगाई, तो क्या किया उसने, जोर से फूंक लगाई। उसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, तो आदमी का कोट उतारने के लिए तो सन ने क्या किया, तो जो सूरज है उसने क्या किया, तो आदमी का कोट उतारने के लिए सूरज ने क्या किया, द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, जोर से वो चमकने लगा, क्यों जो सूरज था उसने जो मैन का कोट उतारने के लिए उसने जोर से वो चमकने लगा। तो बच्चों इसका आंसर, दोनों का आंसर लिख दो। तो नेक्स्ट उसके नीचे क्वेश्चन है, हु सेड द हु वन इन द एंड, आखिर में कौन जीता, तो कौन जीता आखिर में, एक सन जीता, तो उसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों आखिर में कौन जीता, तो द सन वॉन इन द एंड, तो आखिर में कौन जीता, जो सन है वो ही जीता, जो सूरज है वो जीता। फिर उसके नीचे, हु सेड दिस टू हुम, यह किसने किसको कहा है, नीचे जो पांच स्टेटमेंट है उसने बोला यह किसने किससे कहा, तो पहले स्टार्ट कर दे, I can get his coat off more quickly than you can. मैं तुमसे ज्यादा जल्दी उसका कोट उतरवा सकती हूँ, तो कौन बोलते हैं, आपसे ज्यादा जल्दी मैं उसका कोट उतरवा सकती हूँ, तो कौन बोल रहा है, वाइंड बोल रहा है, किसको सुना रहा है, सन को। तो हम लिखते हैं उसका पहला आंसर। तो वाइंड ने किसको बोला, सन को बोला, तो उसके नीचे आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं पहले तुम्हारी तुम्हें कोशिश करने दूंगा, तो कौन बोला है, तो सन किसको बोल रहा है, वाइंड को, मैं तुम्हें पहले कोशिश करने दूंगा, तो उसका नीचे उसका आंसर, द सन सेड टू द मैन, उसके नीचे हाउ कोल्ड इट इज, कौन बोला है, हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड है, तो कौन बोल रहा है, जो एक मैन है वो अपने आप को बोल रहा है, हिमसेल्फ, द मैन टू हिमसेल्फ, तो वो अपने आप को बोल रहा है। फिर उसके नीचे आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट
हिज कोर्ट, मैं हार मानती हूँ क्योंकि मैं उनका कोर्ट उतरवा नहीं सकती, इसलिए मैं हार मानती हूँ। तो वो कौन बोल रहा है? तो वाइट किसको बोल रहा है? सन को बोल रहा है। तो वो लिखते बच्चों ये तीनों को तीनों लिख दो। फिर नेक्स्ट कौन किसको बोल रहा है? मैं हार मानती हूँ, मैं उसका कोर्ट नहीं उतारवा सकती, नहीं उतार पाए। कौन बोल रहा है? तो वाइट है, वो बोल रहा है। किसने बोला कि मैं उसका कोर्ट नहीं उतरवा सकती, मैं हार मानती हूँ? कौन बोला? वाइट ने किसको बोला? सर को बोला। नेक्स्ट आई हैव वॉन, मैं जीत गया। कौन बोल रहा है? सन बोल रहा है। किसको बोल रहा है? वाइट को बोल रहा है। द सन सेड टू द सर, किसको बोल रहा है? वाइट को बोल रहा है। तो बच्चों ये दोनों लिख दो। बच्चों यहाँ पर पूरा लेसन कंप्लीट करवा दिया, अब क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट में अब लेट्स अ थिंग वो करेंगे आगे के जो पार्ट में। तो यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखा है वो क्वेश्चन और आंसर दोनों नोटबुक के अंदर लिखने, बुक के अंदर नहीं लिखने, नोटबुक के अंदर लिखने। तो थैंक यू स्टूडेंट।